कलर में साफ कर रहा है तू तेरा जाना किधर है लेफ्ट यहाँ तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा मैं गाँव ये आ चुके हैं हमें लग रहा है अभी सही जगह जा रहे नहीं जा रहे मोदी जी भाई हम आपके गांव के रास्ते पे आ रहे हैं और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कैसा प्रतीत हो रहा है कि आपने काम धाम कुछ किया नहीं है गांव में हाँ तो ठीक है इसीलिए तो हम प्रधान नहीं हुए सर दिख गए दिख गए भाई दिख गए हमारे ठाकुर साहब सामने खड़े भाई बिल्कुल क्लियर है भाई गाड़ी गलत धुलवा के लाया हूँ कोई दिक्कत नहीं है धुलवा फिर धुलवा लेंगे भैया की तो थार है भैया की तो निकल जाएगी भैया की थार है तो हमारी थार से कम नहीं है प्रधान जी इशारा करते हुए मोड़ लो गाड़ी अंदर ये हमारे पूर्व प्रधान ऐसे खुलेगा भी नहीं वो एक हाँ वो ऐसे ही खुलेगा ये प्रशांत है ये खोल सकता है नहीं यार मैं नहीं खोल सकता वो ये देखो ना ये सब इसमें वही पुराना वाला बना ऐसा है ना पुराना अगर काम हो रहा हो पुरानी ही चीज लगानी चाहिए उसमें नया कुछ करना नहीं चाहिए अब मैं इसमें चाहूँ तो वो एस एस सी गेट लगा दूँ वो लगा दूँ मुझे लुक थोड़ी आएगा सब बेकार हो जाएगा अब ये देखो आप ये जो बाहर वाला जो गेट है ना जी ये भी बढ़िया लगवाया तुमने ये देखो अब देखो इसका लुक नहीं अच्छा लग रहा है इस पे ना मुझे वो लगवाना पीतल वाले ही लगे हुए हैं ये सब ना तो वो सही हो जाएंगे साफ हो जाएंगे साफ होकर सही हो जाएंगे अभी तो काम चल रहा है ना इसलिए इसमें पॉलिश वगैरह नहीं कर रहा ये नहीं तो पॉलिश करा दूंगा बिल्कुल सेट हो जाएगा कुछ समझ में आ रहा है प्रशांत बहुत समझ में आ रहा है देखो इसके लिए मैं गेट देख आया हूं यहां के लिए चल गर्मी की सपना इनके पास आया प्रशांत लावड़े ना
और भाई प्रधान जी से मिलके खाना वाना खा के अब बस निकलती है घर की तरफ। नहीं अभी हम जा रहे हैं अपने गांव। अपने गांव? हाँ चलो चलते हैं। कदौली कदौली जा रहे हैं। चलिए और भाई प्रधान जी ने वादा किया हमसे कि अब की बार आएंगे तो ये जो आप सड़क देखी थी ना जिससे हम गए थे वो वादा किया है बन जाएगी। देखो प्रधान जी वादे पे कितना खरा उतरते हैं अपने। अब आ रहे हैं अपने गांव कदौली। यहाँ के प्रधान जी ने अच्छा काम करा दिया है। कराएंगे नहीं हमारे कंवर साहब के पिताजी हैं यहाँ के प्रधान। ये हमारे ठाकुर साहब की हवेली हवेली का मेन गेट है ये जो अभी अभी बनवाया है। इसका पत्थर कहाँ से आया कंवर साहब? सब राजस्थान से आया भैया। राजस्थानी पत्थर की बात ही अलग है। रियासत में एंट्री हो गई घर पे। अब घर वापसी कर रहे हैं हम सब लोग। मैं मेरा फ्रेंड मिस्टर प्रवल प्रताप सिंह जिसका ये चैनल एंड आल्सो प्रशांत मिश्रा। वैसे काफी लेट हो गए प्रवल यार। लेट हो गए। अभी जो टाइम है वो बज रहे हैं शाम के 5:30 और अंधेरा काफी हो चुका है। यहाँ से घर पहुँचने में अभी बहुत टाइम है। आधे घंटे का रास्ता है। आधा घंटे
ट्रैफिक रहता है, टाइम काफी लग जाएगा, 19 से ज्यादा लगेगा टाइम, चिंता ना करो आप, आधा घंटा लेके चल रहे हो। यहाँ लोगों ने खाना बनाना भी स्टार्ट कर दिया इतनी जल्दी, ये होती है गांव की लाइफ। आदमी शाम को 5 बजे 6 बजे खाना बनाएगा, खाएगा और चुपचाप से सो जाएगा। हाँ भाई सोना ही पड़ेगा, क्योंकि आदमी जब गांव में सुबह 4 बजे उठता है, हमारे यहाँ तो 4 बजे लोग सोते हैं, शहर में पार्टी करके वे 4 बजे सोएंगे, फिर दोपहर में 12 बजे उठेंगे, फिर उनकी डे स्टार्ट होता है 12 बजे से, और गांव वालों का आधा दिन खत्म हो जाता है 12 बजे तक। क्या प्रवल, चलो हाईवे आया, टर्न मार के सीधे घर। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।